जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी का, अगर आप सी डब्ल्यू टी डब्ल्यू या एफ टी का एग्जाम देने जाते हैं तो किस प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम वही आपको दिखाने वाले हैं जो पूछे जा चुके हैं। एकदम हम आपको स्क्रीन शॉट दिखाएंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले मैंने बिहेवियरल का क्वेश्चन अपलोड किया हुआ था, सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, और टेक्निकल का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जिससे आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन हमको याद करनी चाहिए। और आप इसकी तैयारी के लिए अनिल सर आईटी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको इसका मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, उस मॉक टेस्ट को दीजिए। अभी दो मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, आने वाले दिनों में और भी मॉक टेस्ट वहां पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं यह स्क्रीन। अब देखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएगा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसमें आपको विजन इंडिया का जो होगा उसी पर आपको लिंक मिलेगा, जिस पर लॉग इन करके आप अपना वहां पर टेस्ट दीजिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। उसके लिए देखिए, सबसे पहले देखिए एग्जाम जो है 60 मिनट का है, इलेक्ट्रिशियन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखिए समझने का प्रयास करिएगा, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अदर ट्रेड के भी कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लगभग सभी ट्रेड के क्वेश्चन यही होता है। सबसे पहला सवाल है, विच इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो आप भी जानते हैं सबसे छोटा इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसको बस टिक कर देना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना था। द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू हम भी जानते हैं कितना होता है, 3.14159 होता है। तो इसको हम, ये नजदीक है 3.142, ये इसको हम सही कर देंगे। अगला हम देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 282 mm, व्हाट इज इट्स रेडियस। यदि एक वृत्त का व्यास जो है 282 mm है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या 141 होगी। कितनी होगी? 282 का आधा। बहुत ही सिंपल होता है, डी इक्वल टू 2 r होता है ना, तो r इक्वल टू हो जाए d/2, तो 282 बटा में हमारा 141 हो जाएगा। अगला हम देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन हुआ है, स्क्रीनशॉट आया हुआ है मेरे पास ना, इसके वजह से हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। चलिए हम देख लेते हैं इसी को। एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अगला देखिए, द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। केमिकल नाम का साल्ट है, इसे देखिएगा, तो पूरा हम आपको दिखाएंगे इसका क्वेश्चन, दूसरा मिल जाएगा। या देखिएगा, नदियों नदियों आदि में, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? जो हरा हरा, देखिए ना, जल को भी हम लोग अपनी भाषाओं में बोलते हैं, वो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो एल्गी बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। एक दूसरे से ही बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से फैलते फैलते पूरा, देखिए तालाब पूरा भर जाता है जलकुंभियों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी। विच इज द फॉलोइंग ऑफ फॉलोइंग इज मेटल, इनमें कौन सा धातु है? धातु जो है मरकरी, यहाँ पे ये क्या है, ये धातु है। देखिए मरकरी जो है ये आपको नॉन मेटल भी होता है, लेकिन और मरकरी जो है यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रकार से होता है, जो उसकी अवस्था होती है उसके आधार पर हम यहाँ पे धातु कहते हैं। जब पिघला हुआ रहेगा तो वो मेटल नहीं रहता है, लेकिन पिघला हुआ नहीं रहता है, हार्ड रहता है तो मेटल रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लुक एट द टेस्ट सीरीज, सॉरी दिस सीरीज, इस सीरीज को देखिए, 7, 10, 8, 11, 9 और 12 दिया हुआ है। तो देखिए 7, 3, 10 हो गया, फिर 10 में से 2 गया 8, 8, 3, 11, 2 घट गया 9 हो गया, 9, 3, 12, यहाँ पे देख रहे हैं +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, -2 हो रहा है ना, तो 10 क्या हो रहा है, +9, 3, 12 हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे -2 कर दीजिए, -2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 10, तो हमारा ये सही है, ठीक है।
आगे देखिएगा, लोहे में जंग लगना है कि क्या है, तो रस्टिंग जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड केमिकल एक्टिविटी, ये रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रक्रिया। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो ध्वनि होती है उसकी गति सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है? तो स्टील में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि होती है, और निर्वात में भी होता है, निर्वात यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग, जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर आप देखिए कितना होता है, आप बता सकते हैं? यहाँ पे देखिए सेल्सियस और फारेनहाइट समझिएगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे फारेनहाइट पर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है, 98, जैसे बुखार होता है ना, तो उसी तरह हमारे नॉर्मल जो है बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और उसी को सेल्सियस में कर दें तो सेल्सियस हमारा 36.9 हो जाता है। 97 से लेकर के 99 तक का हमारा यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बोला जाता है। देखिए तो बुखार के बारे में कि बुखार हो गया है तो कैसे बुखार हो गया ऐसे होता है, तो उसी को बोलते हैं। ये तो हम लोग कर चुके हैं, तो आगे हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जो है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये 33 होता है, आप गिन के देख सकते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है, ये हमने कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, ठीक है। देखिए केमिकल नेम ऑफ साल्ट, नमक का जो रासायनिक सूत्र बता सकते हैं, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, अभी बताइए जल्दी से। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए जो भी आपको आंसर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ गलत होगा अब, ठीक है। और नीचे देखिए, लुक एट दिस सीरीज, इस सीरीज को देखिए, देख रहे हैं 8 22 8 28, उसके बाद क्या होगा, 8 22 8 28, देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, फिर 8 यहाँ पे 28 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 34 हमारा सही आंसर है, ठीक है। ट्यूब लैंप चोक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो ट्यूब चोक लैंप चोक है किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है म्यूचुअली इंडस्ट ईएमएफ, पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये भी हो गया है, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, ये भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, ये भी हो गया, यहाँ पे देखिए विच वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम का लॉ के अनुसार कौन सा करेक्ट नहीं है बताया जा रहा है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ देखिएगा कौन सा सही नहीं है बता सकते हैं? जो हमारा ए है यहाँ पे आई इक्वल टू वी इन टू आर होना चाहिए था, ये हमारा गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, ए सोर्स ऑफ ई एम एफ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर, ई एम एफ का एक स्रोत आवश्यक है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसको हम कंप्लीट देते हैं, कंप्लीट जरूर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सही है, ई एम एफ का एक स्रोत आवश्यक होता है, क्या स्रोत आवश्यक होता है, तो ये जो है गेट द इलेक्ट्रॉन इन टू मोशन, इलेक्ट्रॉन की गति में लाना ई एम एफ का एक स्रोत आवश्यक होता है। ए ओम एंड 8 ओम, 24 ओम एंड 8 ओम, एक 24 ओम और एक 8 ओम प्रतिरोध समानांतर में है, तो इनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, सवाल क्या है, एक 24 ओम और एक 8 ओम प्रतिरोध समानांतर में है, तो उसका संयुक्त प्रतिरोध कितना हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा 6 होगा, कितना होगा, संयुक्त प्रतिरोध होता है 6 ओम हो जाएगा। आगे देखते हैं, ट्यूब लैंप हो चुका है सोर्स, ये कुछ क्वेश्चन है कि रिपीटेड भी आ चुके हैं कि एक ही बार दो दो बार स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिया गया है। या देखिए इनको इन द केस ऑफ प्योर मेटालिक कंडक्टर द रेजिडेंसेस, शुद्ध धातु कंडक्टर के मामले में प्रतिरोध क्या है, देखिए शुद्ध शुद्ध धातु कंडक्टर के मामले में, इन द केस ऑफ प्योर मेटालिक कंडक्टर द रेजिडेंसेस क्रॉस सेक्शन के समानुपाती, सीधे लंबाई के समानुपाती,
सॉरी समानुपाती प्रतिरोध के समानुपाती इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध धातु के कंडक्टर के मामले होते हैं वो हमारे सीधे लंबाई के समानुपाती होते हैं। किसके? सीधे लंबाई के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है तापमान गुणांक प्रतिनिधित्व तो क्या किया जाता किया है। इसका सही तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इसका जो है यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा अल्फा होता है। जो तापमान होता है उसका गुणांक प्रतिनिधित्व जो होता है वो अल्फा होता है। अल्फा बीटा गामा होता है ना, आपको यही ऑप्शन मिलेगा अल्फा बीटा गामा। तो उनमें से और ओम भी है यहाँ पे, ओम दिया है इस पे, लेकिन सही जो आंसर है आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है आगे देखेंगे। ए पर्सन रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक, एक व्यक्ति है जिसको बिजली का झटका लगता है और बेहोश हो जाता है, उसे पानी पीने के लिए पेशकश कर सकते हैं। किस प्रकार का पानी दे सकते हैं? गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म कॉफी, या कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो जब भी कोई किसी व्यक्ति को बिजली का शॉक लगता है तो कुछ नहीं देना चाहिए। अगला देखिए, द क्वांटम विद्युत प्रवाह की मात्रा जो दर्दनाक बिजली का झटका दे सकता है वो जो हमारा 50 mA है, जिसकी वजह इसके इससे जो हमारा ये जो 50 mA है यह हमारा हृदय की एक मांसपेशियों से क्या होता है ना, कि इससे हमारा शरीर की जो धड़कन है उसको भी रोक सकता है। इतने बिजली के झटके से हमें कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, ये बिजली का झटका विद्युत प्रवाह की इतनी मात्रा 50 mA की मात्रा से गुजरते हैं तो यह हमें कार्डियक अरेस्ट भी हमें दे सकता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 MΩ, 1 MΩ कितने के बराबर होता है? 106 ओम के बराबर होता है। कितना ओम? 1 MΩ 106 ओम के बराबर होता है। द यूनिट ऑफ करेंट, करेंट का यूनिट कितना होता है? यहाँ पे एम्पियर होता है। द यूनिट ऑफ करेंट इज, अगला देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंट रिक्वायर्ड टू पास ए करेंट 0.2 A एम्पियर इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 वाट इज, संभावित प्रतिरोध 20 वाट की एक तार में 0.2 एम्पियर के करंट को पारित करने के लिए आवश्यक फर्क कितना होता है? तो यहाँ पे 4 वोल्ट होता है। कितना? 4 वोल्ट। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए, एक लीड एसिड जो है यहाँ पे लीड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज, एक लीड एसिड सेल जो होता है रिचार्जेबल किसकी वजह से होता है? यहाँ पे देखेंगे जो रिचार्जेबल सेल होता है वो हमारा इसके इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, यह एक गीला सेल है, रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्तित है, इलेक्ट्रोलाइट उच्च गुरुत्वाकर्षित है। तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्तित होती है, इसकी वजह से जो लीड एसिड सेल होता है रिचार्जेबल होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन है, द निकेल आयरन सेल, जो निकेल आयरन सेल होता है वो क्या होता है? एक गीला माध्यमिक सेल होता है। कितना? क्या सेल होता है? वीट सेकेंडरी सेल होता है। द टेम्परेरी मैग्नेटिक मटेरियल, अस्थायी चुंबकीय सामग्री होता है वो टूल स्टील होता है। क्या होता है? टूल स्टील। आगे की तरफ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड, कितना नंबर है? 43। यहाँ पे देखिए, द पीरियोडिक टाइम इन MS 2 MS कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 MS होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 2 1/2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो सही आंसर कितना है? तुम्हारा सही आंसर जो है एफ एफ आ जाता है। ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग कितना है? 2 MS है, 2 मिली सेकेंड है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 मिली सेकेंड। तो इसको हम मिली सेकेंड को सेकेंड में जब परिवर्तित करेंगे तो 0.002 सेकेंड हो जाएगा। 1/0.002 सेकेंड करेंगे तो हमारा 500 GHz हट जाएगा, ये हट जाएगा, गीगा नहीं सिर्फ हट। ठीक है हर्ट्ज। देखिए, एक गतिशील क्वाइल वोल्ट मीटर 10 वोल्ट एम्पियर करंट दिखता है, जिसका प्रभाव बड़ा प्रभाव वोल्टेज क्या होता है? तो बड़ा प्रभाव जो होता है सेम ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जितना गतिशील क्वाइल वोल्ट मीटर होता है जितना दिखता है उतना ही प्रभावी वोल्टेज भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पोटेंशियल, तो ये हमने तो
देखा है इसको हमने कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जूल कुलाम इज सेम एज, जो जूल होता है वो कुलाम किसके बराबर होता है, और देखिए यहाँ पे वाट ओम एम्पियर या क्या एम्पियर या वोल्ट किसके बराबर होता है बता सकते हैं? वोल्ट के बराबर होता है, सही जवाब है। द यूनिट ऑफ रेस्टिविटी इज, प्रतिरोधकता की क्या हमने देखा हुआ है कहता होता है, प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो ओम एम होता है। यहाँ पे नहीं दिया है ओम, जो है एम एस सी नंबर जो है इसका करेक्ट है, कहीं ना कहीं वो भी सही दिया होगा इसमें। और ये जो है ओम ओम एम होता है। टू रेजिडेंस ऑफ 100 वाट एंड 0 ओम एंड कनेक्टेड इन पार्लल, 100 वाट और 0 ओम के दो रेजिडेंस जो है समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो समग्र प्रतिरोध कितना होगा? तो समग्र प्रतिरोध जो है 0 ओम होता है। ओके, हमने इसको देख रखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। द टेम्पोरी मैग्नेटिक मटेरियल, अस्थायी चुंबकीय सामग्री कौन सा है, ये भी हम जानते हैं टूल स्टील होता है। यहाँ पे देखिए मटेरियल जो केवल थोड़ा ही चुंबकीय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बता सकते हैं? इसको क्या कहते हैं, जो मटेरियल थोड़ा ही चुंबकीय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्पोरी, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी खत्म हो गया। ये भी ट्यूब लैंप, हाँ यहाँ पे जो है ये भी ट्यूब लैंप इज स्विच ऑन दियर, लास्ट में आपको पूरा दिखाई देगा इसका लास्ट पीडीएफ है। यहाँ पे देखें ट्यूब लैंप इज स्विच ऑन दियर इन सम वाइब्रेटिंग साउंड फ्रॉम, जो ट्यूब लैंप होता है ऑन करने पर जो वाइब्रेटिंग ध्वनि आती है उसका उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है क्वाइल का नॉइज होना, मतलब कुंडल जो होता है क्वाइल जो होता है शोर करने की वजह से ऐसा होता है। द टू बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल आर एनालॉग एंड डिजिटल होता है। ये हमारा आपको टोटल 50 क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया इस टेस्ट में, और जब टेस्ट कंप्लीट करना सबमिट बटन पे टाइप कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो है सबमिट हो जाता है टेस्ट। इस तरह से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही टेस्ट देते हैं, एग्जाम में भी जब एग्जाम होता है आप देख पाएंगे यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट करने का ऑप्शन रहता है। एक कैंडिडेट का एग्जाम था तो उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट अपना भेजा हुआ है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें भेजा। अगर आप भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्वेश्चन हमें स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और इसका तैयारी के लिए आप अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से, वहां पर जाइएगा तो आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। आप मॉक टेस्ट देख करके तैयारी कर सकते हैं, आपका बहुत ही बेहतर तैयारी यहाँ से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अभी हमने 2 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका जो एग्जाम होगा बेहतर तरीका से दे पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्शन 100% होगा, उसकी गारंटी आप खुद ले लीजिए कि यार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आके मॉक टेस्ट दीजिए, अभी 2 ही सेट है लेकिन 2 सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अपलोड करते रहेंगे फिलहाल। ठीक है, जो क्वेश्चन खोजना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको एग्जाम का डेट बहुत जल्द ही आ जाएगा, मैसेज आएगा, मेल आता है, मैसेज आता है, कॉल आता है और आएगा, तो तैयारी में लगे रहिए तभी तो आपका होगा। और एक बार नहीं हुआ तो फिर 1 साल का इंतजार करिए आप, नहीं तो 1 साल का 2 साल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक ही बार मौका दे देता है मारुति सुजुकी, और एक बार में मौका में आपको निकाल लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।